नमस्कार दोस्तों, आज हम लेके आए नाश्ता इजी, गोभी आलू और बैंगन मिर्च के पकोड़े, जो बहुत ही इजी हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और आप अब ठंड भी हो रही है, ठंड में और ज़्यादा टेस्टी लगते हैं चाय के साथ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने गोभी ली है, उसको चॉप कर दिया है मोटे मोटे टुकड़ों में। आलू उनको भी धो के चॉप कर लिया है। ये बेसन है, इसका घोल बनाने के लिए जो जो सामान चाहिए वो मैं आपको दिखा रही हूँ। 1 टेबल स्पून मैंने नमक ऐड किया है, 1 टेबल स्पून धनिया ऐड किया है, 1 टेबल स्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, 1 चुटकी बेकिंग सोडा ऐड किया है। इससे अच्छे से फूल जाते हैं पकोड़े। अब मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। ये देखिए, मैं इसका एक पेस्ट तैयार कर लूँगी, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा, मीडियम रखना है। ये देखिए हमारा पेस्ट बन के रेडी है। देखिए दोस्तों, अब हम इसमें जो गोभी के पीस थे वो ऐड करेंगे। अब कढ़ाई के अंदर एक एक करके छोड़ेंगे। ये देखिए अच्छे से फूल रहे हैं। मैं इसमें मिर्च के पकोड़े भी है, मिर्च को भी ऐसी पेस्ट में घोल के ऐड कर दिया है। ये आलू ऐड कर दिए हैं ऐसी पेस्ट में घोल के। अब ऐसे दोस्तों हम बैंगन के पीस जो स्लाइस काट रखे थे वो ऐड करेंगे इसके अंदर। अभी देखिए तेल अभी गरम है हल्का हल्का, अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी पेस्ट में ऐड करके। ये देखिए एक एक करके छोड़ रही हूँ मैं, जिससे कि चिपक ना जाए। देखिए इन्हें पलटते रहना है ऐसे, कितने अच्छे से फूल रहे हैं ये भी। ये ब्राउन हो गया है, लाइट ब्राउन। अब मैं इनको निकाल ली हूँ। अगर ये ज़्यादा देर तक तेल में रहेंगे तो ज़्यादा डार्क ब्राउन हो जाएंगे, फिर वो अच्छे नहीं लगते। दोस्तों पकोड़े बन के रेडी हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साइड में बेल आइकन का बटन है, उसको प्रेस कर दीजिएगा। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक्स अगेन।